वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह जी आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लंच की रूटीन और क्योंकि ना आज थोड़ा सा सब कुछ ही लेट हो रहा था क्योंकि आज कल ज़रा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है थोड़ा सा जैसे फ़ीवर सा थोड़ा सा फील हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा आजकल जरा स्लो स्लो चल रहे हैं तो जब वीकनेस आती है ना आपके अंदर तो सबसे पहले ना आपको एक हेल्दी ड्रिंक की ज़रूरत होती है ठीक है और हेल्दी ड्रिंक होता है सबसे ज़्यादा अनार का जूस <laughs> इससे बेहतर आपको कोई हेल्दी ड्रिंक और नहीं मिल सकती ठीक है तो ये मैं घर में बनाती हूँ बहुत ही मज़ेदार बन जाता है एक अनार मेरे लिए इनफ होता है और मैं एक अनार लेती हूँ उसको सेंटर से कट करती हूँ और मिनटोंकिंटों में इसके दाने सारे निकाल लेती हूँ जो कि अभी आपने देखा होगा कि सेंटर से इसको कट किया और इसको उल्टा किया थोड़ा सा इसको तोड़ना है और ना बस जी ऊपर से आपने नाइफ इसको मारते जाना है तो बस जी सारे दाने बेचारे बाहर आ जाते हैं और हम जल्दी से जो हमारा घंटों का काम होता है कि हम आराम आराम से दाने इसके निकालने लगे होती हैं तो आप फटाफट ही पूरे अनार को छील लेते हैं, ठीक है तो यहाँ पे जी मैंने अनार छील लिया और मैंने एक ले लिया ब्लेंडर भी आप ले सकते हैं बहरहाल मैंने यहाँ पे ले लिया हैंड ब्लेंडर का जग सॉरी आप जूसर भी ले सकते हैं ठीक है और यहाँ पे उसमें मैंने डाल दिया था अनार जो मैंने चीला था वो और मैंने टू टेबल स्पून उसके अंदर शुगर ऐड कर दी थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और जल्दी से जी आप इसको ग्राइंड कर लें तो यहाँ पे ग्राइंड कर लिया और मैं अब इसको छान रही हूँ क्योंकि जो इसके बीज हैं वैसे तो वो नीचे बैठ जाते हैं बहरहल थोड़े से ना आते हैं इसमें भी ठीक है तो वो मैं उसको अच्छे से छान लूँगी छानने के बाद जी मैं हेल्दी हेल्दी फ्रेश सा अपना जूस इंजॉय करूँगी तो आज इतने ज़्यादा काम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ जो कि बताया कि कुछ तबीयत ज़रा अपसेट थी तो आज का ना बड़ा ही एक अच्छा टॉपिक है मैंने कहा चलो ऐसे ही क्या व्लॉग में अपनी बातें करना है कोई अच्छी बात ही इंसान को करनी चाहिए ताकि कोई ना कोई आपसे कोई ना कोई अच्छी बात सीखे ठीक है तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी गलतियों से कैसे सीखती थी ठीक है क्योंकि आज का टॉपिक ये बहुत आम सा है सहरल ना एक ये गहरा बहुत है कि इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ कैसे सीखता है और इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि अगर इंसान अपनी गलतियों करके डर जाता है ना तो वो कभी इंसान कामयाब नहीं होते ठीक है तो जैसे कि ज़िंदगी के इस सफ़र में ना हम हमारे से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी तो हम अनजाने में गलती कर लेते हैं और कभी हमसे हमारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे फैसले गलत हो जाते हैं कि बस फिर हम सोचते ही रह जाते हैं बहरहाल मैं कहती हूँ कि असल बात यह होती है कि आप जब अपनी कोई गलती कर लेते हो और आपको पता तो चल जाता है कि आपने गलती की है तो उसको ना मान लेना चाहिए अगर आप उस गलती को इग्नोर कर दोगे ना तो आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन सकते अगर आप कहोगे कि जी ये वाकई जी मैंने अपनी गलती की है और ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आपकी लाइफ भी इजी हो जाएगी और आप जब अपनी गलती मानते हो तो आपको पता चलता है भी नेक्स्ट टाइम मैंने ये काम नहीं करना तो जैसे कि आप किसी रिश्ते में कोई गलती कर बैठते हो कि कोई आपसे नाराज़ हो जाता है कभी आप किसी के सामने इस तरीके से बोल देते हो कि किसी का दिल हर्ट हो जाता है आजकल तो ना मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ जब आप कभी किसी से बात कर रहे होते हो तो ऐसे आप मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बात कर देते हो ना कि अगले अगले बंदे का तो दिल दुख जाता है पर हम बड़े फ्रेश फील कर रहे होते हैं कि भी बस भी हमने ये बात कर दी है नहीं ये भी गलती में आता है ठीक है ये ये भी आपकी गलती है आपको इस तरह नहीं करना चाहिए और जैसे बच्चे हैं बच्चे स्कूल में कोई ऐसी काम कर कर आते हैं तो वो हमेशा जो मेरे बच्चे हैं ना वो मेरे दोस्त हैं तो वो मुझसे आके हमेशा से मुझे कहते हैं मम्मा इस तरह हो गया तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा इस तरह नहीं तो आपने इस तरीके से करना है वरना ये अच्छी बात नहीं है तो हर इंसान अपनी कोई ना कोई, कोई गलती से सीखता है जैसे कि ना मैं अपने बच्चों को कह दी होती हूँ कि बेटा आपकी जो गलतियाँ होती हैं ना वही आपको सबसे ज़्यादा सिखाती हैं और आपको समझाती हैं सबसे ज़्यादा क्योंकि ना जो आपकी जो गलतियाँ जो आपको सिखा के जाती हैं ना वो कोई और इंसान आपको नहीं सिखा सकता जैसे कि कोई भी है कोई कोई काम करता है तो अगर वो कामयाब नहीं होता ना तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है जहरी बात है जब भी जिस इंसान ने इतनी स्ट्रगल की होती है और अगर वो कामयाब ना हो तो वो क्या होता है वो परेशान हो जाता है उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है बहरहाल मैं बच्चों को कहती हूँ कि आपने ना इसमें गुस्सा तो चलो आपको आ गया बहरहाल आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि क्या ऐसी मैंने गलती की है कि मैं कामयाब नहीं हुआ कि मैं कामयाब नहीं हुई कि क्या ऐसी मेरे से कौन सी ऐसे रिश्ते में कोई गलती हो रही है कि मेरा रिश्ता अच्छे से नहीं गुजर रहा या फिर मैं निभा नहीं पा रही हूँ तो ये जब गलतियों को हम मानने लग जाती हैं ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी और आसान हो जाती है तो बस यही गलतियाँ मेरे में भी थीं जो कुछ थीं तो मैं उनको आराम से बैठ के समझती थी क्योंकि भी वक्ती तौर पे तो इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ऐसा आहिस्ता फिर इंसान समझता है कि हाँ भाई ये मेरी गलती थी और इसको मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं करना और फिर ही आपकी लाइफ में भी सुकून होगा क्योंकि ना मैं अयान जब बैठा होता है या मेरे बच्चे बैठे होते हैं ना तो मैं कोई ना कोई ना उनसे बात शेयर कर रही होती हूँ तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि आपकी जो गलतियाँ होती हैं ना वो सबसे बड़ी आपकी टीचर होती हैं सबसे बड़ी टीचर ही आपकी गलतियाँ हैं जो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाती हैं किसी भी पॉइंट पर आप गलती करते हो तो वो आप उसे सीख लेते हो वो अलग बात है कि आप ढीठ बन जाओ और आप कहो कि नहीं भी मैंने तो गलती की नहीं है तो फिर तो भी आपको कोई भी नहीं समझा सकता जब आपको गलती नहीं समझा सकी ना फिर कोई नहीं समझा सकता ठीक है और साथ साथ ही मैं अपने ब्लॉग की कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी आज मैंने हेल्दी ड्रिंक पिया उसके बाद थोड़े से रुमाल वॉश करने वाले थे वो वॉश किए दाल बनाई क्योंकि आज कुछ ऐसा मूड नहीं था बनाने का और साथ ही ना मैंने कहा चले सर्दियाँ आ गई हैं और ये जो सूजी का हलवा होता है ना इसको आई थिंक मुखड्डी हलवा कहते हैं ठीक है अगर मैं गलत नहीं कह रही तो <laughs> क्योंकि ये पंजाबियों की डिश नहीं है ठीक है तो ना आ, ये मैं बना रही हूँ आज अच्छा इसमें क्या होता है इसमें मैंने एक कप ले ली सूजी और दो कप मैंने दूध मैंने इसको भिगो दिया एक घंटा एक घंटा भिगो दिया उसके बाद जी, मैं भी मैं अब इसका सारा जो मेथड है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने हाफ कप इसमें भर के ले लिया देसी घी जब भी आप कोई भी कोई भी स्वीट बनाए ना आपने लाजमी देसी घी लेने ठीक है देसी घी के अलावा इसमें मज़ा नहीं आता डालडा घी हो या दूसरा घी हो उसका मज़ा नहीं आता ऑयल तो कभी भी ना लेना प्लीज़ वरना तो बिल्कुल ही ख़त्म फिर आप मीठा बनाए ना <laughs> चलिए डालडा ले लेंगे ठीक है तो यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया हाफ कप उसके अंदर मैं डाल दूंगी दो छोटी इलायची ताकि अच्छी सी खुशबू के लिए और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी अच्छा चीनी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक कप एक कप चीनी इसके लिए ना नॉर्मल होगी अच्छा जो कहते हैं कि मीठा मीठा होना चाहिए जैसे होता है ना कुछ जो ज़्यादा मीठा खाने वाले होते हैं ना तो वो कहते हैं नहीं भी अगर मीठे में मीठा नहीं ना होगा तो फिर कोई मज़ा नहीं होगा तो फिर आप वन कप प्लस वन फोर्थ कप शुगर ऐड करेंगे और फिर आपने इसको सारा बनाना है अच्छा जो मेरे जैसे लोग हैं जो कहते हैं अभी मीठा बस लाइट नॉर्मल मीठा होना चाहिए क्योंकि अगर मीठे के अंदर आप मीठा बहुत ज़्यादा डाल लेंगे ना तो फिर आप मीठा खा नहीं सकेंगे फिर आप एक चम्मच दो चम्मच खा सकेंगे उसके बाद आपका दिल भर जाएगा आपका दिल नहीं करेगा मीठा खाने को तो मैं थोड़ा ज़रा ना लाइट मीठा रखती हूँ तो इसलिए मैंने वन कप शुगर ली है वरना आपने वन फोर्थ कप ज़्यादा और डाल लेनी है। तो यहाँ पे मैंने वन कप शुगर ले ली इसको मैंने बिल्कुल ना लो फ्लेम पे बनाना है अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बनाते हैं घी और शुगर को मेल्ट करते हैं तो ये बहुत जल्दी कर्मलाइज हो जाएगी फिर इसका डार्क कलर हो जाएगा फिर जब आप इसके अंदर सूजी डालेंगे तो वो और भी डार्क हो जाएगी तो फिर आपको ज़रा कड़वा कड़वा फील होगा ठीक है तो यहाँ पे जी मुझे यहाँ पे टाइम भी लगा था अच्छा खासा क्योंकि मैं यहाँ पे चम्मच चलाती जा रही थी और शुगर को बिल्कुल मेल्ट करती जा रही थी और ये देखिए जी जितना सूजी ने सोक करना था ना दूध को उतना कर लिया और बाकी रह गया और ये बहुत मज़ेदार बनता है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम विहाड़ी खाया था और उसके बाद मैंने देखा सीखा और बस जी फिर मेरा ये फेवरेट बन गया और मैं सर्दियों में स्पेशली ये बनाती हूँ गर्मियों में ये नहीं इतना खाया जाता और मैंने जैसे ही थोड़ा सा लाइट कलर आया ठीक है आपने शुगर में देखा होगा हर किसी का ना अपना अपना है हर किसी का अपना तरीका है ठीक है बहरहाल मेरा तरीका ये है मैं इसको लो फ्लेम पे बनाऊंगी जब लो फ्लेम पे आप इसको डालते हो ना ना तो ये इकट्ठा होता है ना इसकी गुठली बनती है ना इसको आपने फटाफट -फट विक्स चला के मिक्स करना होता है कुछ भी नहीं होगा अगर आप हाई फ्लेम पे बनाओगे जैसे ही आप सूजी को इसके अंदर ऐड करोगे ना तो वो फ़ौरन से गुठलियाँ बन जाएंगी और आप उसको तोड़ते तोड़ते आपको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा ना कि आप खुद थक जाओगे आपको कहोगे नेक्स्ट टाइम नहीं बनाना जो मुझसे पहले गलतियाँ हुई थी तो वो मैं आपको बता रही हूँ ठीक है <laughs> तो यहाँ पर जी आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना और ये ये है कि इसका जो प्रोसेस है ना फाइनल प्रोसेस अब स्टार्ट हुआ इसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है ये ऐसे ही मज़ेदार नहीं बनता फिर मैंने इसके अंदर चम्मच चला चला के चला चला के मेरे ख्याल से तो ये हो गया था डन ठीक है जब ये पूरा घी छोड़ दे और थोड़ा सा ज़रा मोटा मोटा हो जाए इस तरीके से जैसे अभी आप देख रहे हैं ना तो ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल से तो हो गया था ये डन बहरहाल जैसे हस्बैंड आए और उन्होंने देखा वो कहते नहीं अभी इसकी थोड़ी सी और बुनाई करनी है मैंने कहा मैं थक गई हूँ अब आप थोड़ा सा कर लें तो जी अब फिर हस्बैंड ने इसकी अच्छे से की भुनाई बहुत अच्छे से क्योंकि उनको भी आइडिया है कि ये किस तरीके से बनता है तो ये शुक्र अल्लाह का वो आ गए थे और फिर जी अल्लाह का शुक्र है हमारा हलवा हो गया रेडी और दाल भी बन गई थी और फिर मेरा दिल था फटाफट ना अब मैं बना लूँ रोटी क्योंकि आज ज़रा थोड़ा सा खाना भी लेट हो गया था और बच्चे ज़रा फ्रूट वग़ैरह खा के जूस वग़ैरह पी के ज़रा फ्रेश फ़ील ही कर रहे थे तो उनको ज़्यादा नहीं फील हुआ इतना तो साथ ही जी मैंने रोटी बना ली रोटी बनाते हुए भी मैं सोच रही थी कि मेरी ना बड़ी कोशिश होती है कि जब भी आप लोगों के साथ कोई बात शेयर करूं कोई व्लॉग शेयर करूं कि कोई अच्छी सी बात शेयर करूं ये ना हो कि आप मेरे व्लॉग पे आए और मुझे जितना भी अगर आप देख रहे हैं टाइम दे रही हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कोई ना कोई रेसिपी आपको अच्छी सी सिखाऊं या कोई ना कोई ऐसी बात सिखाऊं जो आपकी लाइफ में आप सीख रहे हो मुझसे कुछ ठीक है तो मेरी कोशिश ये होती है तो अब ये नहीं बात है कि पता नहीं अभी मुझे पता नहीं कितना वो है, वो नॉलेज है तो मैं भी आप लोगों के साथ बात शेयर करती हूँ नहीं ये बात नहीं है मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे पास जो बात होती है मेरा दिल करता है मैं आप तक भी उस उस बात को पुन जाऊँ ये कोई गलत मतलब ना ले कि भी पता नहीं ये भी इस तरीके से बात करती हैं तो बेशक इनका कोई ब्लॉगिंग का चैनल है बहरहाल बस मैं कहती हूँ किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आप कुछ ना कुछ सीखें ठीक है तो यहाँ पे ना मैं रोटी बना रही थी साथ साथ जी यहाँ पे मैं फ़िश भी फ्राई कर रही थी और फ़िश जस्ट मैंने और अभी ने खानी थी यहाँ रोटी वगैरह के साथ नहीं खाता वो ना वैसे ही मैं उसको डेली रात को ना एक एक पीस जो फ़िश का होता है वो मैं फ्राई करके दे देती हूँ उसे क्योंकि रात को वैसे ही इन्होंने चाय पीनी होती है अब थोड़ी सी ज़रा हल्की सी ज़रा ज़्यादा पत्ती डाल के दे देती हूँ इससे ये हो गया है कि जब से बच्चे फ़िश खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं दालचीनी वाली ना तो बच्चों के गलों को ज़रा आराम आ गया सुकून आ गया उनको वो गले ख़राब नहीं हैं अब उनके जो खांसी और रेशा थी अल्लाह का शुक्र है उससे भी बड़ा ही फ़ायदा है तो अगर आपके बच्चों को भी खांसी रेशा है तो लाजमी है आप सुबह निहार हूँ बच्चों के गले भी मलें जैसे वो जो सरसों के तेल के साथ जैसे मलते हैं वो भी करें और ना साथ, साथ आप बच्चों को गर्म पानी में नींद गर्म पानी में ना आपने हनी डाल के देने तो इससे भी बच्चों को न बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और रात को सोने से पहले बच्चों को आप लाजमी विक्स की ना भाप दें ताकि दवाइयों से ज़्यादा ना आप ये घर के जो टोटके होती हैं इसको ज़्यादा फॉलो किया करें ठीक है तो बस मेरी जो कोशिश होती है आप तक पहुंचाने की और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छी लगती होगी और इन शाला तल आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए करें कि भी मेरे व्लॉग्स मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं और ये था जी मेरा आज का प्लेटर ये आज मैंने अपने लिए वो रेडी किया था बाकी सबको मैंने खाना दे दिया था तो मैंने कभी आज तो मैंने भी इस तरीके से खाना क्योंकि अभी किसी ने मीठा नहीं खाया था ठीक है ओके जी अल्लाह हाफिज़ कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में बाय बाय